दुर्गाशीष आम एग्जीक्यूटिव एडिटर जोड़ी होती आम सहित दुर्गाशीष जो खबर सामना को आसुची महांगा डबल मर्डर जो खबर को वर्ष वर्ष धरी अर्गस ए प्रश्न उठाई वितर्क मध्यम खबर मध्यम जे कहीं प्रताप जेना तदंत परिसरभुक्त होना फाइनाली विलंबर हेले भी समन जारी करमी देखा निहाति स्मृतिलग्न अर्गस बार बार जो खबर प्रसारण करिथिला कोर्ट सेथिरे मोहर मारिछन्ते एवं जो जो प्रमाण आउ तथ्य आधार आम खबर राज्यवासी सामना को आनीछु सेटा आपातः सत प्रमाणित हेछि। आम बारंबार ए प्रश्न उठैथिलु जे काहिंकि कॉल करिथिले प्रताप जेनाक दुई सहयोगी जे शरत नायक अछन्ते एवं बापी विश्वाल अछन्ते माने काहिंकि बार बार फोन करिथिले जने हत्या अभियुक्त काबुआकु एवं काबुआर मृतदेह कोठु मिलिथिला प्रताप जेनाक परिवार मालिकाना रे थिबा स्टॉकयार्ड पाखरु एवं एबे बड खुलासा हेछि। आम रिसेंटली खुलासा करिथिलु जे निजे प्रताप जेना काबुआ सहित कथा हेछन्ति जने ल मिनिस्टर से ये ल मिनिस्टर थिले जने ल मिनिस्टर रो जने हत्या अभियुक्त सहित कि काम एवं गोटे नुह दीदीटा विकास जेना एवं महांगा डबल मर्डर रे मेन एक्यूज थिला प्रफुल्ल बराल प्रफुल्ल विश्वाल ओरफ काबुआ काबुआ सहित ल मिनिस्टर कौन काम ताकु नेकि प्रश्न आसिथिला एवं ए जेतेबेले सीडीआर फाइल हेला एवं सीडीआर पिटिशनर दाखल करिथिले पुलिस रो सीडीआर को पुलिस सीडीआर दौ नथिला माने कोर्ट रे अपील कले पिटिशनर जे अछन्ति रमाकांत बराल जे फाइल करिथिले एवं ए फाइल हेला परे कोर्ट उद्बोध कले जे कोर्ट ना कोर्ट ये रहिछि कारण दफा 302 मुद्रा नंबर 13 थिले प्रताप जेना किंतु तांको ना कु पुलिस काटी देइथिला मांगा पुलिस चार्जशीट तांको ना काटी देइथिला किंतु हम कोर्ट को गले एवं कुलमणि बरांको परिवार दृढ़ता सहित लड़िले कोर्ट को गले एवं कोर्ट प्रमाण पाइला जे नाही प्रमाण अछि जे एही केस रे इन्वॉल्वमेंट खाई पारे प्रताप जेनांकर सेइति पई तांको ना रे दफा 302 506 120 भी लगैला एबे समन हे निहाति अड़ुआ बढ़ुची प्रताप जेनांक प्रताप जेनांक ना रे सेही महांगारे पांच पांचटा मर्डर रो अभियोग अछि। दीप्तिकांत जहां भाई दिलीप जे भी न्याय पई लड़ई करुथिले दीप्तिकांत मर्डर हेइथिला रिसेंटली दिलीप को माड मरा गला गोड़े गोड़े पिटिले प्रताप जेनाक गुंडा माने ता स्वर उठे दौ नथिले महांगारे समस्त स्वर को चापी दौथिले अर्गस बार बार ए खबर प्रसारण हे ए भितरे भी ए लंबा समय भितरे भी तदंत परिसर भुक्त तो हे नांती प्रताप जेना किंतु ए लंबा समय भितरे भी जो साक्षी माने रहिथिले तांको प्रभावित करिया पई चेष्टा करिथिले अनेक मरणांतक आक्रमण रे शिकार हेछंती अनेक धमक चमक पाइछंती निहाती जनक तो हत्या कर दि जा सांघातिक अभोग आसुआ बंची थे तारे पोल भी खोली जाता से ही भय हत्या करा तो स्टॉकयार्ड कहाँ स्टॉकयार्ड प्रताप जेना परिवार मालिकाना स्टॉकयार्ड पाक मृतदेह मिलला ना हेलमेट क्षत था ना बाइक रे किसी क्षत होता कहगला जे एक्सीडेंट मृत्यु होती केमी दुर्घटना है कोर्ट रखला किसी यार इनफर्मेशन ना कौटि ना कौटि पुलिस चापी देता और जो पुलिस ये घटना को चापी थे जो पुलिस प्रताप जेना को क्लीन चिट देते सीडीआर रे तथ्य आसला पर भी से पुलिस एगेन्स्ट जी एवं सालेपुर जीव्यू अच्छा एगेन्स्ट भी आक्शन नवार आवश्यकता रही कारण सी पूरा मामला को चापी देते कि आईन रात लंबा आईन रात जेहेतु लंबा से सामना को आसला प्रताप जेना ना 302 दफा लगेगा कि बड़ आश्चर्य जो कि संविधान मुखबंधे अहिंसा को दाबी करजु जनता दल से ही दल रे विधायकों ना दफा 302 लगुची आजु जनता दल आक्शन नौना मुखिया चुप एवं ये जनविरोधी नुह हत्या अभियुक्त जन को बचेवा हत्या अभियुक्त सी कौन जनविरोधी नुह साधारण ये चर्चा भी होगी निश्चय जितेबाला काबुआर मर्डर होता ता पूर्वर मध्य जो प्रमाण जो ऑडियो कॉल हाथ को आसीला अर्गस आम बारंबार खबर प्रसारण करता से कौटि ना कौटि काबुआ पूर्वर जाणी सारीला जो ऊपर विपद रही मत मारी दिया जिबो से कथा को आम के देखा दुर्गाशीष निहाति आपंकर मन थ राज्यवासी मन थ काबुआ ठीक मृत्यु पूर्व जी अच्छा कुलमणि बराल पुह रमाकांत बराल भी देहांत रमाकांत बराल को कल करते रमाकांत बराल एने की पुलिस रे भी एतला देते रमाकांत बराल को फोन करी काबुआ एक कथा कहला जे मते प्रताप जेना फसई देले मो पिला तुमक लगला मते प्रताप जेना फसई देला आ मु तीन तीन टा मर्डर केस रे मते फसई देला एक कथा काबुआ कहला कुलमणि बराल पुह एतला देते कि आधार में तदंत है उल्टा जहां अभियोग हो पुलिस इनफर्म करदेला प्रताप जेना लोकं प्रताप जेना जे काबुआ एक कथा कहला कारे सी मुह खोली दब हे तो यही कारण रास्तु हटे दि जाए प्रताप जेना भूमिका संदेह घर को आसू कारण पर मालिकाना स्टॉकयार्ड निकट रु ही काबुआर मृतदेह मिलता दल प्रताप जेना विरोध में जनविरोधी आख्या लगाई पारना किंतु कौटि ना कौटि ए भय रोचे जे आगामी निर्वाचन में महांगावासी यार जवाब देवे से वर्तमान देखा मिली तदंत परिसरभुक्त होती प्रताप जेना एक कथा भी चर्चा होगा दुर्गाशीष
ନିହାତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଜନବିରୋଧୀ କ'ଣ ତାଙ୍କର କମ୍ପଲସନ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ୟୁଡବ୍ଲୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କେସ୍ରେ ଇଏ କୋର୍ଟ ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଇମା ଫେସି ଅଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କୋର୍ଟ ଅର୍ଡରରେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା 302 ଲଗାଯାଉ ବୋଲି ଲଗେଇଲେ କୋର୍ଟ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନ ପାଇଥାନ୍ତେ କୋର୍ଟ ଏକଥା କେବେ ବି କହିନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ଏକଥାକୁ କାହିଁକି ଚପା ଯାଉଛି, କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ନିହାତି କୋର୍ଟର ଆଇନର ହାତ ଲମ୍ବା, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧ ହୁଏ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚାପି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସତଟା ନିହାତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଯୋଉ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମନ ହେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏଡିଟର ଦୁର୍ଗାଶିଷ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଅର୍ଗସ ଯେଉଁ ଖବର ଦେଖାଏ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ସେ ଖବର ଦେଖାଏ, ଡେରିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲୁ, ଯଦି କୋର୍ଟକୁ ହୃଦବୋଧ ହୋଇନଥାନ୍ତା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ ମେସେଞ୍ଜର ଜରିଆରେ ସମନ ଜାରି କରିନଥାନ୍ତେ, ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ମାହାଙ୍ଗା ମାଟି, ଏ ଲଢ଼େଇ ଆମର ଜାରି ରହିବ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।